भावलपुर के अजीमो शान अहमदपुरी गेट के अंदर खेड़ी मार्केट और तंग गलियों से गुजरने के बाद हम पहुंचे कहां? यहां। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग गए थे एक हॉरर प्लेस पे। जाने का मकसद क्या था और हम लोगों को उधर क्या मिला? तो मिला ये कि आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपको अपने ही डर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि डर का सामना करने से पहले आपको उसी डर से लड़ना पड़ता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था। हम लोग बहावलपुर को एक्सप्लोर करने गए थे, जो कि हम करते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके हमें अपने डर से सामना करना पड़ा। एक बार तो डर यहाँ से होता हुआ, दिल से होता हुआ दिमाग की नसों तक पहुँचा, उसके बाद सब अमन था। ये भैया बिल्कुल डरावनी सी जगह है। ये बिल्कुल खंडर टाइप जो है ना बना पड़ा है, और उसके अलावा हाँ भैया, इतनी डरावनी जगह पे बस आपके लिए एक मशवरा है, यहाँ पे अकेले ना आना। कज़न भाई दोस्त किसी को साथ लाना, क्योंकि अकेले आओगे तो डर लग गया फिर मुझे ना कहना। बाकी इस जगह की लोकेशन है अहमदपुरी गेट के अंदर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वीरान सी जगह पड़ी है और इसकी हिस्ट्री वगैरह कोई नहीं है। लेकिन ये है कि बहावलपुर में ऐसी 3-4 जगह हैं जो बिल्कुल वीरान टाइप हो चुकी हैं, जिस तरह एक हमने पहले भी दिखाई थी जहाँ पे फरजाना की स्टोरी सुनाई थी, और अब एक ये जगह थी। तो समर भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, डर लगे या नहीं? हाँ भाई, तो नहीं लगा शुरू में। सफ़ीर भाई ने कहा कि यार चल शूट लेने चलते हैं, मैंने कहा यार नहीं यार, ड्रामी जगह है, पहले मेरी तबीयत आज ख़राब है, ऊपर से तो ऊपर से मैंने शेव करवाई हुई है, कोई जीन हो या लड़की हो दीवानी ना हो। लेकिन इस फजूल से डर से लड़ने के बाद दिल में सिवाय अल्लाह के किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। वैसे तो खंडर आबादी वाली जगह पर है, लेकिन डर के मारे इसके करीब जाने की कोशिश किसी ने नहीं की, ना चाहते हुए भी इस जगह को इग्नोर किया गया। आपको क्या भाई, इस जगह की रखवाली बिल्लियाँ करती हैं, ये उस बिल्ली का बच्चा है, तो ये जगह इन्हीं के नाम पे है, ये देख रहे हैं आप। बाकी ये है, आपको एक सजेशन है कि भाई ये जगह फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं, ये जो जगह है ये नशई जहाज़ लोगों के लिए बहुत VIP है। अभी मैं खड़ा था, मेरे से पीछे आया वो, बोला नशई था, मैंने कहा ये कौन है? बोला मामू जगह बहुत लेवल है, आप नशई हो? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं तो शरीफ बच्चा हूँ। हाँ दूसरे सजेशन मैं देता हूँ भैया, नशाई लोगों के लिए जो भी हो बहरहाल यार फोटोग्राफर्स के लिए कमाल जगह है, ठीक है, जहाँ बाहर आओ शूट लो, कमाल की जगह है, ठीक है ना। बाकी नशाई जहाज़ यहाँ पे एक आधा आपको भी मिल जाए, हमें जिस तरह मिला, तो कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है। वैसे एक बात तो है, हम ना चाहते हुए भी पता नहीं कितनी चीज़ों को रोज़ाना हमारी नज़रों के सामने आने के बावजूद इग्नोर कर देते हैं। हमने कभी उनके करीब जाने की या उन जगहों पर जाकर वक्त गुजारने की कोशिश नहीं की, जबकि यकीन मानो ऐसी जगहों पर जाने से जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं बहुत मामूली सा समझ के, ऐसी जगहों पर जाने का भी एक अपना ही मजा है। वैसे ही एक जगह ये थी हॉरर प्लेस, इधर जाने का भी यकीन मानो अपनी ही एक चस है, अपना ही एक लेवल है। तो अगर यकीन ना आए तो लेट्स ट्राई, आप भी ट्राई करो। किस्सा ख़त्म शुद्ध, ठीक है, ख़त्म शुद्ध ये कि ये जो पीछे ट्रॉफीज देख रहे हैं ना, ये मेरी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इनमें एक या दो मेरी हैं, लेकिन वो जो बड़ी ट्रॉफी है वो मेरी नहीं है। तो मैंने कहा बता दूं, बताना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूं कि वो मेरे छोटे भाई की है। तो मैंने कहा चलो शो बन गया तो बनाए, लेवल तो बनता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।